आज मसाला किचन में बन रहे ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स कि बस तरोताजा कर देंगे आपको। घर में रखी छोटी छोटी चीजों से आप इतने बढ़िया ड्रिंक्स बना सकते हैं कि बहुत ही मजा आने वाला है। बच्चे हो या बड़े हो, जिस किसी को भी गर्मी में कुछ ठंडा पीना हो तो ये हेल्दी ड्रिंक बनाइए, जो इजी बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और इसे बार बार बनाएंगे तब भी बहुत पसंद करेंगे। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वो भी फ्री में। आज बना रहे हैं चार ड्रिंक्स जो कि बहुत ही बढ़िया हैं, टेस्टी हैं और फटाफट बनने वाले हैं। यहाँ मैंने काले अंगूर लिए हैं, खीरा लिया है और लिया है तरबूज और लिया है नींबू। आप इनमें से कोई भी ड्रिंक बनाएंगे आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। तो जब भी आपको मन करे कि कुछ अच्छा पीना है, कुछ ठंडा पीना है, कुछ हेल्दी पीना है, तो ये ज़रूर बनाइए। सबसे पहले लिया मैंने सब्जा। सब्जा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। गर्मियों में हमें अच्छी क्वांटिटी में सब्जा लेना चाहिए। ये हर सुपरमार्केट में, आपको किसी भी पंसारी की शॉप में या ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ये तुलसी के बीज होते हैं, ये हेल्दी होते हैं और हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने सब्जी को भिगा दिया है। आप जिस भी ड्रिंक में डालेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेन इंग्रेडिएंट है नींबू। हमें कोविड के टाइम वैसे भी विटामिन सी जरूर लेना चाहिए, तो अगर संतरे जाने वाले हैं, संतरे नहीं भी मिल रहे हैं, तो नींबू तो हमेशा मिलते ही हैं। तो नींबू को कट करके हम उनका जूस अलग कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आप वेरिएशन से जूस बना सकते हैं। मैंने पहले भी आपको दिया था कि गन्ने का रस, अगर आपको बाहर पीने से इस वक्त डर लग रहा है, तो घर में बहुत ही बढ़िया गन्ने का रस भी बन सकता है। ये ड्रिंक्स आपके लिए बहुत ही बेस्ट हैं, कोल्ड ड्रिंक से कई गुना अच्छे हैं। सस्ते, सुलभ और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। यहाँ पर मैंने नींबू का रस निकाल दिया। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ पानी, जैसे आधा कप करीब पानी लिया है, और इसमें आप चीनी डाल दीजिए। अब आप चीनी के बदले गुड़ डाल सकते हैं। और एक बात बताऊं, अगर आप गुड़ भी नहीं पसंद करते, चीनी भी नहीं पसंद करते, तो किसी भी ड्रिंक में आप डाल दीजिए हनी, ये बहुत ही हेल्दी बनेंगे। वैसे मैं अभी चीनी डालकर एक सिरप बना रही हूँ। गुड़ की भी आजकल चीनी आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से गरम कर लिया, अब ठंडा कर लिया और ग्लास में डाल दिया है। और आप इसमें कौन कौन से वेरिएशन करने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं कुछ तैयारी कर लेती हूँ इन सारे ड्रिंक्स के लिए। तो पहले मैंने वाटरमेलन का जूस निकाल दिया है। आप चाहे तो मिक्सी में निकालें या यूं ही विस्कर से थोड़ा सा घोट लीजिए और रस निकल आएगा। मैंने इन मॉकटेल्स में, इनमें कोई भी मैंने कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी यूज़ नहीं किया, सोडा वाटर यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल जो नॉर्मल नेचुरल चीज़ें हमारे घर में होती हैं, फ्रिज में होती हैं, उन्हीं चीज़ों को यूज़ किया है। ये लीजिए, वाटरमेलन का जूस निकल गया है। अब मैंने थोड़े से काले अंगूर लिए हैं। काले अंगूर के साथ आप अनार भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बात, काला अंगूर ना हो तो अभी फालसा आएगा, जामुन आएगा और प्लम आएंगे, तो कोई भी आप फ्रूट ले सकते हैं। इसको मैंने छाना नहीं है क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स इसके अच्छे लगते हैं, मुंह में आते हैं। तो यहाँ मैंने खीरा लिया है। खीरा कड़वा ना हो इसके लिए एक ट्रिक है, खीरे को धो के वॉश करके और बीच में से कट कीजिए। जब आप बीच में से कट करते हो तो खीरा कभी भी कड़वा नहीं होता है। साइड के पार्ट न डालें और इस छिलके समेत खीरे को आप मिक्सी के जार में डाल दीजिए। थोड़ा सा आप इसमें अदरक भी डाल दीजिए। और हेल्दी बनाना है तो आप इसमें थोड़े से करी लीव्स भी डाल दीजिए। वैसे मैंने अभी यहाँ पर पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। थोड़ा सा नींबू का रस जरूर डाल दीजिए इसी वक्त, क्योंकि ये बहुत जल्दी कलर अपना चेंज कर देता है। यहाँ पे शुगर सिरप भी डाल दिया मैंने। यहाँ आप जो भी मीठा पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। इसको भी हम छान लेते हैं। इसको मैं इसलिए छान रही हूँ क्योंकि छिलके के साथ मैंने ग्राइंड किया था। ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता, मैं डेली लेती हूँ इसका जूस, लेकिन शुगर फ्री लेती हूँ। आप जैसा भी चाहें ले सकते हैं। गर्मी में हमें बार बार पानी की प्यास लगती है, ये जूस आपकी प्यास को बहुत कम कर देते हैं। अब हम बना रहे हैं पहला ड्रिंक। ग्लास में मैंने अंगूर, जो काला अंगूर है, उसका क्रश डाल दिया। इसमें मैंने डाला काला नमक। अब आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर सिरप डाल दीजिए।
अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अंगूर ले रहे हैं तो आप शुगर सिरप हटा भी सकते हैं। नींबू का रस, अब इसमें डाल दीजिए पानी, ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, और अगर चाहें तो आइस क्यूब्स डाल दीजिए। अब इसमें मिक्स कीजिए। अब इसमें डालिए 1 से 1.5 चम्मच भर के सब्जा। ये सब्जा जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो पेट फूलता है, वो ये बिल्कुल प्रॉब्लम ख़त्म कर देता है। ये देखिए, अब पुदीने के पत्तियों के साथ और साइड में एक अंगूर लगाकर इसको सर्व कीजिए। बहुत ही बढ़िया है, नो कलर, नो एसेंस, बहुत ही बढ़िया टेस्टी। लीजिए, तैयार है ब्लैक करंट ड्रिंक। अब ये है कुकुम्बर, इसका जूस मैंने ग्लास में डाल दिया। काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1 से 2 चम्मच इसमें भी डाल दीजिए सब्जा। तुकमारिया सीड्स भी इसको कहा जाता है। थोड़ा सा डाल दिया मैंने पानी, इसमें 1/2 पीस आइस क्यूब्स डाल दीजिए। लेमन जूस और शुगर सिरप मैंने पहले ही डाल दिया था। लीजिए, तैयार है लेमन कुकुम्बर ड्रिंक। अब एक ग्लास में हम वाटरमेलन का जूस डाल देते हैं। ये ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारा पानी होता है। इसमें भी थोड़ा सा जीरा पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, तुकमारिया सीड्स, नींबू का रस, थोड़ा सा शुगर सिरप या कोई शरबत भी रेड कलर का डाल सकते हैं। मैंने पहले आपको जामफल का जूस कैसे बनाया जाता है, गन्ने का जूस कैसे बनाया जाता है, वो मैंने बताया है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, नीचे मैं लिंक डाल दूंगी, आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। ये लीजिए, वाटरमेलन ड्रिंक तैयार है। अब बनाते हैं लेमन ड्रिंक। तो सबसे पहले ग्लास में डाल देते हैं लेमन जूस। अब डाल देते हैं शुगर सिरप। अब डाल देते हैं सब्जा। अब जब लेमन ड्रिंक हम शिकंजी जब बनाते हैं तब हम ये तुकमारिया सीड्स नहीं डालते हैं, लेकिन आज इसे इस तरीके से बनाइए। और एक टेस्ट आपको बताती हूँ, एक नया टेस्ट है। एक नींबू का स्लाइस डाल दीजिए और हरी मिर्च को ऐसे लंबाई में हल्की सी काट के इसमें डाल दीजिए। ये तीखा सा जो फ्लेवर आएगा ना, आपको बेहद पसंद आएगा। अब इसमें पानी डाल सकते हैं या सोडा डाल सकते हैं। उसके बाद डाल दीजिए आइस, थोड़ा सा काला नमक और जीरा पाउडर। लीजिए, तैयार है, बहुत ही बढ़िया रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हैं। आप बिल्कुल तरोताज़ा होने वाले हैं। बिल्कुल सस्ते में आप इतना बढ़िया ड्रिंक तैयार कर सकते हैं घर में कि बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। एक और बात, ये ड्रिंक्स तो हमने तैयार कर लिए हैं, लेकिन ये ड्रिंक्स 4-6 घंटे बिल्कुल ख़राब नहीं होते। आप फ्रिज में रखें या किसी को भी देते हैं तो आप इसमें बॉटल में डालकर आप दे सकते हैं, तो ऑफिस भी ले जाया जा सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया ड्रिंक्स हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये ड्रिंक्स आपको कैसे लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।